एक बार बुढ़िया का मलेरिया चढ़ गया, और मलेरिया में तो कंप लग रही, हाय पूरा ज्यादा चढ़ रहा। बुढ़ा होया गुस्सा ने बोला, छोरे हो तारा नाश होगा, जब तारी माँ मरगी तो तारी भी बिरान माटी मन्नर रोटी कौन देगा, मर लो तोड़े डॉक्टर गए। तम तो सारे चारों छोरे नौकरी लाग रही, चारों वागी बहु नौकरी लाग रही, अरे बूढ़ा बूढ़ी हमें तो तारे बाल कान रोका, जल्दी जाओ। लो जी गए छोरे भागे, वो तो गांव का था, वो झोला छाप डॉक्टर था, वो दारू पी रहा, उसको जाके कहने लगे, अरे कहाँ गए डॉक्टर साहब, नहीं बोले वो तो कि बाहर जा रहा, कंप्यूटर दारू पी रहा, चलो मैं लगाता हूँ। गया, अब थैली खोली, वो बढ़िया डॉक्टर था नहीं, उसका असिस्टेंट था, उसका समझ में नहीं आई कौन सी कौन है, कौन सी कुछ है। एक पेट्रोल का पोवा ले रहा था नाश करना, मेरा क्या खातर भर के पेट्रोल का सुहा और ला दिया फूल इव लागते पेट्रोल का स्वर बुढ़िया तो उठी खकाटा उठा, बुढ़ा बोला गई रहा तारी माँ। अब लो जी आगा बुढ़िया पाछ पाछ छोरे, आगा बुढ़िया पाछ पाछ छोरे, 20 किलोमीटर जाके थे ले वापिस। नहीं बोले बापू चाला हो गया, मजलस पूरी दे दी, चाला हो गया बस, जब जाली थी ना, नहीं बोले रे छोरे हो या के, नहीं बोले ताऊ पेट्रोल का सुहा लाग गया, नहीं बोले ना मर की मार दिया, बोले ना तब देखी जाके ले छोरे पकड़ के, नोले बापू चाला हो गया क्यों रे, बोले मेरी माँ 20 किलोमीटर भाजी रे, बोला जी उठो बाथरूम भी को नहीं जाओ थी, बाथरूम भी छोटली बहू करवा कर दी इसने, झूठ बकवास करने लग रहे 20 किलोमीटर क्यों करने, बोले 20 किलोमीटर पूरी या आगा अगर हम पाछे पाछे, वो तो आगे पुलिस वाला एक पलवान था उसने बाज के पकड़ी है, 20 किलोमीटर का चक्कर आया पेट्रोल का भी रहा था, फिर आशा बुढ़ा ने बोला चौखा रहे जो ना बुढ़ापा बेशक आ गया हो, फिर एवरेज भी पूरी कर पूरी करता है। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हंसी की आवाज़। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की धरोहर नहीं होती, और जब हरियाणा प्रदेश की बात आती है, हरियाणवी संस्कृति को उत्थान के लिए एक ऐसे शख्स ने जमीन से जुड़कर और फर्श से लेकर यानी कि अर्श तक नाम कमाया है, मुकाम हासिल किया है, जिनकी विटनेस के आज भी बॉलीवुड में ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर चर्चे होते हैं। आप हैं महावीर गुड्डू जी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं हरियाणा कला परिषद के। आज हमारे बीच हैं एसडी महिला कॉलेज, जो विमेन एम्पावरमेंट का जीता जागता उदाहरण है, नारी शिक्षा का अलग जगा रहा है। आज यहाँ किस पर्पज से आए हैं महावीर गुड्डू जी, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनकी ड्रेसअप से ही लगता है, और इनकी गले में जो कंठी है और जो इनकी जो वेशभूषा है, ये अपने आप में डिपिक्ट करती है कि ये हरियाणवी कला के कितने प्रेमी रहे हैं। बाल्यकाल से और यूनिवर्सिटी तक इनने जो मुकाम हासिल किया है और जो प्रमोट किया है हरियाणवी कला को, उसका मैं सानी नहीं हूँ और मेरे पास लफ्ज भी नहीं है बयान। सबसे पहले तो महावीर गुड्डू जी, मैं मेरे चैनल हांसी की आवाज़ पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आपने हरियाणवी कला को बॉलीवुड और ना जाने कहाँ कहाँ विदेशों में सम्मानित हुए हैं। आप बंसल साहब हमारे पुराने मित्र हैं, गोल्डी जी हमारे बड़े भाई हैं। सच्ची बात यह है कि आसी जब आता हूँ ना, ईमानदार से कह रहा हूँ, आसी आने में मुझे इतना आनंद मिलता है जैसे छोरी बहुत दिनों बाद अपनी ससुराल से पीहर में आती है ना, जो सुकून मिलता है हंसी आकर के, क्योंकि मेरे संघर्ष के दिनों का सर आसी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मोरखी स्कूल से जैसे शुरू हुआ, हमारे गुरुजी ने सिखाया, तो प्रिंसिपल भी रहे। हाँ मैं प्रिंसिपल रहा, मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद की मंच को, और उसके बाद अगर कोई जगह है जिसको मैं नतमस्तक होता हूँ वो आसी, चाहे वो सुभाष ड्रामेटिक क्लब है, चाहे वो बड़ी स्टेज है पंचायती वाला, चाहे यहाँ है सर, यहाँ हकीकत में उन दिनों में आर्टिस्टों को हजूम रहा है जिन दिनों में हरियाणा में आर्टिस्ट गिने चुने होते थे। और बस आपने इतना बड़ी बड़ी बातें कह दी जो सर, आपका हमने देखा कि सारंगी पर आपका हमने डांस भी देखा, और आपके चुटकुले जो थे विटनेस दादा लक्ष्मीचंद शेक्सपियर ऑफ हरियाणा कहलाए, वो खड़े खड़े सांग रस दिया करते थे, वो तो। और उसी परिपाटी पे आप चले और खड़े खड़े, यानी कहते हैं कि हर मर्ज की दवा नहीं है दवा खाने में, कुछ मर्ज तो स्वतः ही खत्म हो जाते हैं मुस्कुराने में। तो आप हमेशा लोगों को मुस्कुराहट देते थे, वही मुस्कुराहट आज देने के लिए और आज किस मौजू के लिए आए हैं सर? आज एक्चुअल में क्या है कि एसडी कॉलेज महिला महाविद्यालय नरवाणा
कि मैं एक सांग हुआ, हमने कला परिषद को स्पॉन्सर किया, उनकी सांग की तैयारी हुई, तो हम ये चाहते हैं कि उनका सांग आज तो वो कर रहे हैं अपने प्रयासी यहाँ पे, लेकिन मैंने उनको ये वादा किया है कि आज अगर आपका सांग अप टू द मार्क होगा तो जहाँ वो कहेंगे जितने महिला कॉलेज वो हैं हरियाणा के, उन सभी महिला कॉलेज में हम उन बच्चों को पेमेंट देंगे और उनके शो करवाएंगे, क्योंकि लड़कियाँ इकट्ठी होकर के स्वांग करें वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पहले तो सांग में तो लड़कियों का देखना निषेध था, पार्टिसिपेशन आपने देखा। एक बार एक मेरे को गोल्डी जी बहुत बड़े आर्टिस्ट ने कहा कि आपने हरियाणवी संस्कृति का नाश कर दिया। मैंने कहा कैसे? नु बोले आपने मंच पर लड़कियां चढ़ा दी। मैंने कहा दादा लक्ष्मी भी रखता था, दामन पहन के रखता था, पंडित मांगे राम रखता था। कहता नहीं वो तो छोरे थे। मैंने कहा छोरे थे धोती कुर्ते बांधो। कहता नहीं वो प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम लड़कियां नहीं मिलती थी। मैंने कहा फिर आजकल स्थिति ऐसी नहीं है, बदल गया। और आज तो पूरा का पूरा लड़कियां जो ना पूरा सांग लड़कियां लेकर के आई हैं। अच्छा। और ये बहुत पूर्णमल का सांग बता रहे हैं। पूर्णमल का सांग करेंगे, वो बहुत हिम्मत की बात है लड़कियों की। और इनमें जो ना प्रयास जो ना ये गोल्डी भाई साहब जैसे जो पढ़े लिखे कलाकार थे ना, कंपोजर बहुत बढ़िया सर, पढ़े लिखे कलाकार ही सोच सकते हैं, अदरवाइज गामा में सांग देखने के लिए महिलाओं को तो जाने भी नहीं देते थे। कुआ पलुगा या धोरा काम के और फेरे से आया मोडे एक्चुअल में क्या था सर, इन लड़कियों का नहीं, जब मैं पार्टिसिपेट करता था शुरुआत में, मुझे भी मेरे साथी गांव के नुकर दे सड़ा भांड फिर है, मतलब अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन उस मिथक को तोड़ा लोगों ने और हम भी उसके जो ना थोड़ा बहुत समुद्र में बूंद को भरे। और आजकल पहले कलाकार को ऐसे समझा जाता था, आज पूरा मान सम्मान मिलता है हर जगह। हरियाणा के सर, अभी एक दिन मेरी दुष्यंत जी से बात हुई थी, चारों पीढ़ी जानती मुझे, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं कलाकारी के ढंग से। जो भी मुख्यमंत्री आए उनसे, और कितने आईएएस आईपीएस हैं वो हमारी कलाकारी की वजह से हरियाणा में संसद द्वारा। दादा चार चुटकुले मैं मेरे दर्शकों को सुनाना चाहूंगा और फिर आपको पूरा दो घंटे का लाइव कवर करूंगा मैं। देखिए सुनाऊंगा और फिर मैं स्पेशल आपके पास चैनल के ऊपर जितने चार नहीं आपको दस सुना, कोई नहीं मैं चलो माफी चाहता हूँ। एक बार भाई इनमें हाजिर जवाब भी बहुत चलो है। एक बार बुढ़िया का मलेरिया चढ़ गया। हाँ। और मलेरिया में तो कंप लग रही है, हाय 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 हाय, पूरा जाना चढ़ रहा। बुढ़ा होया गुस्सा ने बोला छोरे हो तारा नाश होगा, जब तारी माँ मरगी तो तारी भी बिरान माटी मन रोटी कौन देगा, मर लो तोड़े डॉक्टर गए। तम तो सारे चारों छोरे नौकरी लाग रही, चारों वागी बहु नौकरी लाग रही, अरे बूढ़ा बुढ़िया हमें तो तारे बालकन रोका, जल्दी जाओ लो जी गए छोरे भागे। वो जो गांव का था वो झोला छाप डॉक्टर था, वो दारू पी रहा, उसको जाकर लगे रहे कहाँ गए डॉक्टर साहब है, नहीं बोले वो तो कहते बाहर जा रहे हो कंप्यूटर दारू पी रहा, चलो मैं लगाता हूँ। गया अब थैली खोली, वो बढ़िया डॉक्टर था नहीं, उसका असिस्टेंट था, उसका समझ में नहीं आई कौन सी कौन है कौन सी कुछ है। एक पेट्रोल का पोवा ले रहा था नाश करना, बिरयानी क्या खाते भर के पेट्रोल का सुहा और ला दिया फूल इवलागते पेट्रोल का स्वर बुढ़िया तो उठी खकाटा उठा बूढ़ा बोला गई रहा तारी माँ। अब लो जी आगे बुढ़िया पाछे पाछे छोरे बीस किलोमीटर जाके थे ले वापिस, नहीं बोला बापू चाड़ा हो गया, माइलेज पूरी दे दी जरा चाड़ा हो गया। जब जाली थी ना, नहीं बोला छोरे हो या के, नहीं बोला ताऊ पेट्रोल का सुहा लग गया, नहीं बोला ना मर की मार दिया, बोले ना तो देखी जाके ले छोरे पकड़ के, बोले बापू चाड़ा हो गया क्यों रे, बोले मेरी माँ 20 किलोमीटर भाजी रे बिला जी उठो, बाथरूम भी को नहीं जाओ थी, बाथरूम भी छोटली बहू करवा कर दी इसने, झूठ बकवास करने लग रहे 20 किलोमीटर क्यों करनी, बोले 20 किलोमीटर पूरी या आगा अगर हम पाछे पाछे, वो तो आगे पुलिस वाला एक पलवान था उसने भाज के पकड़ी है, 20 किलोमीटर का चक्कर आया पेट्रोल का भी रहा था, फिर आशा बुढ़ा ने बोला चौखा रहे तो ना बुढ़ापा बेशक आ गया हो, फिर एवरेज भी पूरी कर पूरी कर है। अच्छा एक कुआ नहीं बताया करते वो आज से सारे सवाल एक एक और सुनाए दो फिर आप सुनाओ फिर वो तो बड़ा पुराना था तो कोई नया सुनाओ फिर। हाँ नहीं मैं वही सुना देता हूँ आपकी। हाँ। वो जो है ना वो तो ये था कि एक अपनी घराली के साथ जो ना वो जाने लग रहा और वो पैर फिसल के वह घराली उसकी पिड़की कुएं में, उसने बड़ी दिक्कत हुई। अब जो ना उसने भगवान से प्रार्थना की, बोले भगवान और मेरा तो सारे काम खराब हो गया और बड़ी गड़बड़ हुई, उसने निवेदन की इतने में देवता प्रकट हुआ, बोले क्या हुआ भाई तू हमारा बड़ा सेवक है, बोला फिर सोने के लिया फिर चांदी के लिया फिर वो असली ले आया, तो अब नुबला जी घर वाली पड़ गई, नुबला भी लो मारा गोता और
श्रीदेवी काट लिया पल नुबला जी मेरी तो यह है नुबला नाश कर रहे हैं तो तू तू तेरी तो और थी या कुकर नुबला जी मन आप कबे रहो लकड़ा रोली एक बार सोने को अड़ी लिया एक बार चांदी के लिया और फिर नुबला तीनों ले जा तीनों ले नुबला श्रीदेवी लिया फिर मामा ली लिया फिर मारा ली लिया फिर नुका बेटा तीनों ले जा मेरे पे एक नीथमरी तीन तीन बुआ निको कर रोको तो आ तो सांग सर ये हरियाणवी कला को कहाँ तक पहुँचाएंगे क्योंकि हरियाणवी सॉन्ग ऐसे आने लगे हैं वर्गल टाइप से के इसका कैसे सुधार करेंगे दादा लक्ष्मी चंद मांगे राम जी तुला राम हम सबके सांग सुनते आए हैं हमारी तो तमन्ना जैसे स्वांग है धर्मवीर जी आए हैं वो रहे हैं हमारी तमन्ना है कि जो असली बेसिक लोग हैं ना कई बीमारी भी नहीं पहचानती पता नहीं जुगाड़ में आ जाते हैं लेकिन ये सच्ची बात है बंसल साहब कि जो इस संस्कृति की सच्चे मन से सेवा करके मंच के ऊपर रहता है ना उसको या माँ दाल रोटी जरूर देती देती है और मैं तो ये निवेदन करता हूँ कि गंदा कह दिन चलेगा और धिकार है ऐसे बच्चों को जो गंदा गाँव है और ऐसा जिसमें बाबू बेटा नहीं सुन सकते तीन चार पीढ़ी बैठेंगे इस सांग में अब सुनते हैं सारे अब धर्मवीर जी को सुनना लक्ष्मी जी को सुनते थे एक से एक अच्छी आ जाओ धर्मवीर जी आ जाओ कोई नहीं अभी आ जाओ अब जो ना एक एक से एक अच्छे अब कोई गीत है अगर समाज में अब ब्याह शादियों में बजते हैं और मुश्किल हो जाती है गीत बजते हैं गर्दन नीचे करनी पड़ जाती है तो चुड़ी है मरना चलो जो भी है हम तो उनसे ये निवेदन करते हैं कि लंबा चलना है जिसमें दादा भी सुनेगा ये दायित्व तो आपके ऊपर है फिर हम तो निवेदन करते हैं दादा भी सुनेगा दादी भी सुनेगी पोता सुनेगा पोती भी सुनेगी और सबको अच्छा लगेगा जिंदा वही रहेगा सारी उम्र वही रहेगा नहीं तो किले बेच बेच बाजे मेरे फिर जो ना वो हजारों धन्यवाद साहब धर्मवीर जी हैं ये जो इन्हीं के निर्देशन में आज ये सांग होगा बच्चियां कर रही हैं और बहुत स्टेज की है दादा लक्ष्मी चंद मांगे राम जी और ना जाने तुले राम जी बाजे नाई जी यार ऐसे ऐसे सांगी हुए हैं उसी लड़ी में यार उसी कड़ी के एक ऐसे प्रख्यात हरियाणवी सांग कलाकार कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगी मेरे साथ गोल्डी जी खड़े हैं मेरे क्लासमेट भी हैं तो इतना ही कहूँगा कि सारा जहाँ उसी का जो मुस्कुराना जानता है सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है खुदा का बंदा है वो जो हंसना हंसाना जानता है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं सब लोग ईश्वर है उसी का जो सर झुकाना जानता है अपनी संस्कृति को बचाना जानता है ये दायित्व तो ये तीनों मूर्तियां मेरे सामने खड़ी हैं धर्मवीर जी गोल्डी जी और मेरे क्लासमेट रहे मेरे साथी रहे महावीर गुड्डू जी हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए देखते रहिए हंसी की आवाज़।